हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ आवर न्यू सीरीज अनसीन दिल्ली। तो आज हम लोग अपनी सीरीज की दूसरी जगह पे जा रहे हैं, और जगह का नाम मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जगह का नाम बताऊंगा मैं आपको रास्ते में। तो चलिए सीधा चलते हैं। लेकिन उस जगह के बारे में आपको इतना बता दूं, ये जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। दिल्ली की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आती है, इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आती है। तरह तरह की कहानियाँ हैं, तरह तरह के किस्से हैं, और वहाँ जाना बहुत बड़ा रिस्क भी है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं वहाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहें, एंड तक देखें और व्लॉग का एंजॉय करें। बाकी की बातें मैं करता हूँ आपसे रास्ते में, और चलिए सीधा चलते हैं। मैं रेडी हूँ, बैग रेडी है, और होप कि आप लोग सारे रेडी होंगे इस व्लॉग के लिए। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं झंडे वालान मेट्रो स्टेशन। जी, गेट नंबर 3 से मैंने एग्जिट किया है, जस्ट अभी निकला हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो डेस्टिनेशन है, हमने आना था यहीं पे, झंडे वालान मेट्रो स्टेशन। गेट नंबर 3 से एग्जिट लिया है, हनुमान जी की मूर्ति वाली साइड उतरे हैं, उसी की तरफ अब जाएंगे। हनुमान जी की जो मूर्ति है झंडे वालान वाली, बहुत फेमस, उसके जस्ट पास में जो रास्ता है वो लेके जाता है हमारे अनसीन दिल्ली के चैप्टर 2 की तरफ। तो चलिए चलते हैं, बाकी की बातें करता हूँ मैं बाद में। है हमारा हनुमान मंदिर। इस साइड से जब आप लोग आएंगे तो इससे आगे वाली जो मेट्रो है झंडे वालान से आगे, वो जा रहा रास्ता सीधा, ये रहा आपका झंडे वालान मंदिर। यहाँ से जैसे ही आप उस साइड से आएंगे तो लेफ्ट साइड लेंगे, तो ये रहा हमारा वो रास्ता जहाँ हमने जाना है। हाँ जी, तो थंबनेल आप लोग देख चुके हैं, आपको पता चल गया मैं कहाँ पाया हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल डेस्टिनेशन पहुँच चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का एक छोटा सा बोर्ड, जिसे देख के आपको खासा परेशानी नहीं होगी इसे ढूंढने में। ये है वो बोर्ड जहाँ पे हमने आना था, वो है ये जगह, बग्गा लिंग का बोर्ड है ये, इसकी एंट्रेंस है, ये जा रहा वो रास्ता। तो चलिए चलते हैं सीधा इस रास्ते पे। जितना मैंने इस जगह के बारे में रिसर्च की, जितना मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा था कि ये जगह जो है बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड तो है ही है, बाकी खासा बिल्कुल वीरान मिलेगी। रास्ते से ही पता चल गया ये मैं रास्ता, इससे मैं भी अंदर घुसा हूँ, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है सिवाय गाड़ियों के, कुछ भी नहीं है। तो खैर चलते हैं आगे, मेरा फर्स्ट टाइम है, आप लोगों का ही फर्स्ट टाइम है, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और जिस तरह मैंने पढ़ा कि यहाँ पर बहुत सारे पंगे होते हैं, सामान छीन लेते हैं, एक बहुत बड़ा रिस्क है जो मैं लेकर निकला हूँ आज, तो देखते हैं क्या होता है। ये रहा बग्गा लिंक, अगर ढूंढने में दिक्कत हो तो गूगल मैप पे आसानी से मिल जाएगा, वह तो ये जगह भी मिल जाएगी गूगल मैप पे। और ये वो मज़ार जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे एक मज़ार भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पे ये एक मज़ार है। खैर अभी तो हम यहाँ पे नहीं जा सकते, टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अंदर भी जाना है और जल्द से जल्द निकलना है। तो इस मज़ार को फिर किसी और दिन किसी और व्लॉग में सर देखेंगे, अभी चलते हैं सीधा अपनी डेस्टिनेशन। और जैसा मैंने पढ़ा था कि बिल्कुल वीरान जगह है, कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पढ़ा था, माशाल्लाह कोई भी नहीं है। पीछे कुछ लोग दिखे थे वो एंट्रेंस पे ही दिखे थे, कुछ गाड़ियाँ दिखी थी वो एंट्रेंस पे थे। अब इस रोड पे मैं जा रहा हूँ बिल्कुल अकेला, ठीक है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट होप जो मैंने पढ़ा था वैसा ना हो यार, क्योंकि जस्ट अभी अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, जस्ट अभी अभी कुछ सामान खरीदे हैं, जैसे ये माइक अभी खरीदा है, पिछले व्लॉग में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो होप के सब पॉजिटिव रहे, होप के सब अच्छा रहे, होप के अब तक ये व्लॉग सही सलामत पहुँच जाए। तो मैं सीधा चल रहा हूँ, मेरे अलावा इस रोड पर मुझे तो लगता नहीं कोई है, कोई भी नहीं है। इस साइड सारा जंगल है जो शायद धोला कुआं तक जाता है, ठीक है, और इस साइड एक वॉल है, इसके पीछे भी जंगल है। तो वीरान रास्ता मैं चल रहा हूँ, आप लोग भी चलिए जहाँ तक चला जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ बाकी, हाँ यह अजीब है, अजीब है, कुछ बाइसाइकिल्स वाला आते हुए दिख रहा है, जिनसे मेरे थोड़ा सी सांस में सांस आई। बाकी देखते हैं क्या होता है। इन लड़कों से जस्ट मेरी बात हुई है, इन्होंने तो और डरा दिया यार, पॉजिटिव करने की बजाय डरा के चलेगा कि भाई छीना झपटी होती है, छीना झपटी के तो केस मैंने रिव्यू में ही पढ़ लिया, छीना झपटी होती है। हॉन्टेड वाला मामला तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन छीना झपटी होती है इन्होंने कंफर्म कर दिया कि ज़्यादा आगे मत जाना। तो खैर आ चुका हूँ मैं, मेरे बिल्कुल सामने ही है जो मुझे देखना था, जहाँ मैं आया था, जिसके बारे में मुझे रिसर्च करी कि कोई ऐसी भी जगह दिल्ली में है।
तो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। भूली भटियारी का महल तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में एक शिकारगाह के रूप में बनवाया था। सोशल मीडिया पर ऐसे आर्टिकल और वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे जिसमें इसको हॉन्टेड होने के दावे किए गए हैं। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि यहाँ पे एक रानी की आत्मा भटकती है जिसने यहाँ दम तोड़ा। तो सीरियसली क्या आप लोग यकीन करोगे कि दिल्ली में कोई ऐसी जगह भी है जो हॉन्टेड है और इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है कि उसके ज़्यादातर रिव्यू आपको नेगेटिव ही मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही। एक करोल बाग जैसे इलाके में जहाँ पे दुनिया भर की चहलकदमी है, वहाँ से थोड़ी सी बस कुछ ही कदम की दूरी पे अंदर आने के बाद ये वो जगह है जहाँ पे दुनिया भर की बातें होती हैं कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, यहाँ पे कोई गार्ड है, जो गार्ड है वो टिकता नहीं है। अब आई डोंट नो कि कितनी परसेंट वो बातें सही हैं, कितने परसेंट वो गलत हैं। मैं आ चुका हूँ, आसपास कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ पॉजिटिव ये हुई मेरे साथ कि यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है जिसकी वजह से दो चार लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं काम करने वाले, जो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हैं वो भी यहाँ से चले जाएंगे। तो जितना मेरे पास टाइम है उतना टाइम मैं आपको देता हूँ, उतना टाइम मैं अपने मोबाइल को देता हूँ, कैमरे को देता हूँ, और जल्द से जल्द जितना भी कैप्चर होता है, जितनी भी जानकारी मिलती है, जितने भी व्यू आपको मिलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दस फुट से ज़्यादा की दीवार, ये हमारा वो महल, उसके बराबर से कि दीवार है जो सीधा जंगल की तरफ जा रही है, जहाँ जाने को मुझे अभी गार्ड ने मना किया है कि आगे मत जाना। कुछ ना कुछ तो अजीब है कि इतना सारा नेगेटिव जो गार्ड है वहाँ वो ये चीज़ बोल रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़े से आगे चलने की, देखते हैं क्या है आगे क्या नहीं। हाँ जी, तो एक फ्री की राय मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, प्लीज़ एक छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के समझ लीजिएगा आने से पहले। यहाँ पे अभी मेरी यहाँ पे गार्ड से बात हुई है, जस्ट उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक कपल आया था जो इस पीछे वाले रास्ते से जो दिख रहा है, जिसको मैंने दिखाया था आपको, इस रास्ते से काफ़ी आगे चला गया था। अब अंदर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, कुछ लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे छीना झपटी करी और शायद उन्होंने बदतमीजी भी करी उस लड़की के साथ। तो प्लीज़ यार, आप लाल किले जा रहे हो, हिमालय के मकबरे जा रहे हो, 1000 लोग हैं वहाँ, आप कुछ भी करो आपके ऊपर नज़र रहेगी, आपको लोग देखना, आपको डरने की जरूरत ऐसी जगहों पर आके नहीं। मैं यहाँ पे पिछले 1 घंटे से हूँ, मुझे कोई बंदा नहीं दिखा, मैं हूँ, ये कुछ लोग 2-3 लोग जो ये काम कर रहे हैं बस ये लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं। तो प्लीज़ आप ऐसी जगह पर जाकर अपना एक्स्ट्रा स्मार्टनेस ना दिखाएं, आएं अकेले ना आएं, किसी के साथ आएं, ग्रुप के साथ आएं, शाम होने से पहले आएं, टाइम से आएँ, इन्जॉय करें, टाइम से जाएँ, ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ना ही हो तो बेहतर है कि मुझे इधर जाना है उधर जाना है। मुझे भी इस साइड से जो ये रास्ता जा रहा है आगे, मुझे भी यहाँ जाने से बिल्कुल मना कर दिया गया था, गार्ड ने पीछे वाले रास्ते पर मना कर दिया, जो मैंने आपको दीवारें दिखाई हैं वहाँ भी जाने को मना कर दिया था। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करें, इससे आपको दिक्कत हो।
अब भी यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि मैं आपको अंदर का दिखा सकता हूँ जो किसी भी व्लॉगर ने अब तक शायद नहीं दिखाया। तो चलिए, बहुत छोटा सा टाइम मिला है, बहुत छोटी सी क्लिप मैं आपको अंदर की ज़रूर दिखाऊंगा। बहुत मशक्कत करनी पड़ी आप लोगों के चक्कर में, बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ने पड़े, तो सीधा चलते हैं अंदर। जैसा मुझे लग रहा था, जैसा लोगों को लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है अंदर। एक बहुत बड़ा सा खुला हुआ ग्राउंड है जो आपने जस्ट अभी देखा होगा, एंड उसके बाद छोटे छोटे रूम हैं। अभी दिन है तो मैं समझ सकता हूँ कुछ नहीं है, लेकिन शाम होने के बाद ये जो पेड़ है ना, घने पेड़, क्या ही आतंक मचाते होंगे। मतलब सच में रुकना तो खैर यहाँ पे खतरे से खाली नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा जंगली पेड़ और क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे भी लग रहा था कुछ अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे कमरे हैं, एक ही जस्ट मेरे पीछे है, एक ही सामने है, दो उधर कोनों में है, इतना ही है। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, मुझे तो मना हो गया लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये इसकी साइड है जो बहुत दूर तक बनी हुई है, बहुत दूर तक, लेकिन आगे जाना फिर वही मामला ठीक नहीं है। आपको दिखा सकता हूँ मैं, देखिए वहाँ तक आपको दिख रही है, वहाँ से भी ये मुड़ रहा है तो वो और किसी साइड जा रहा है। तो ये सारी इसकी बनाई है, ये रहा वो फ्रंट जहाँ से मैं आया था, ये रहा सारा इसकी साइड, ये रोड आगे जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन इसी रोड पे जाने को मना कर रहे हैं लोग कि यहाँ से आगे मत जाना। जितने भी लूटपाट होती है वो इस रोड पर आगे आगे होती है, जो लड़के करते हैं वो यहीं से आते हैं और यहीं से चले जाते हैं। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो नहीं पता, लेकिन देखिए अब मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ एक बार। ये इसकी बैक है और ये सारा वो जंगल इसके बारे में लोगों ने लिखा है, लोगों ने बताया। ये देखिए यहाँ से आके ये बैंड हो रहा है, वापस इधर को जा रहा है। एक मान्यता है कि तुगलक वंश के सूफी संत भू अली बख्तियार के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया था। दूसरी मान्यता यह है कि राजस्थान से भूरी नाम की भटियार जनजाति की महिला यहाँ रास्ता भटक कर आ गई और इस वीरान महल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद महिला ने इसी जगह पर दम तोड़ दिया। तब से कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है, इसी वजह से इस जगह को भूली भटियारी का महल कहा जाता है। हाँ जी, तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे समाप्त। शुक्र है खुदा का सब कुछ ठीक रहा, जैसा पहले दिमाग में फितूर थे वो कुछ भी ऐसा नहीं रहा। आप भी आइए जैसे मैंने बताया, बट उस चीज़ का ध्यान रखने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अनसीन दिल्ली के तीसरे पार्ट में, बहुत जल्द। इस बार जितना इंतज़ार कराया इससे कम ही कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ मैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ जान जोखिम में डाल के यहाँ तक पहुँचा था, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करें कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, क्या मुझे और अच्छा करना चाहिए। एंड शेयर ज़रूर करें उन लोगों को जिन्हें आप यहाँ पे लाना चाहते हैं, जिनके साथ आप अपनी टोली के साथ घूमते हैं ना, उस टोली को ज़रूर ये वीडियो भेजें। तो चलिए चलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।